दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय हिंद न्यूज। महाराष्ट्र में एडवोकेट सतीश माने शिंदे और महाराष्ट्र सरकार को लेकर अभी अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। एडवोकेट सतीश माने शिंदे को एक बार फिर से एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि सतीश माने शिंदे एक ऐसे वकील हैं जो कि जमानत दिलाने के लिए काफी ज्यादा मशहूर हैं, और खास करके जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं या बड़े मंत्री और विधायक होते हैं उनके केस ही जो है सतीश माने शिंदे हमेशा लड़ते हैं। अब इन्हीं सब चीजों के बीच में एक अपडेट आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे के बेटे नितेश राणे का केस जो कि अभी तक सतीश माने शिंदे लड़ रहे थे उसमें उनको एक बड़ी कामयाबी लगी है और कोर्ट के द्वारा आज जो है फाइनली नितेश राणे को जमानत दे दिया गया है। आप सबको बता दूं कि संतोष परब नाम के एक व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला कराने का आरोप जो है नितेश राणे के ऊपर लगाया गया था, जिसके बाद कोर्ट में कई जगहों जाने के बाद जो है फाइनली जो नितेश राणे हैं उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था और पिछले कई दिन से वो जो है लगातार जेल में बंद हैं। जेल में क्या बंद हैं, जैसे ही वो जेल में पहुंचे उसके दूसरे दिन ही उन्होंने बताया कि उनके चेस्ट में पेन है, उसके बाद जो है उनको कोल्हापुर हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया और फिर से उनकी जो है एक जमानत याचिका दाखिल कर दी गई और कोर्ट के द्वारा आज जो है उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए, बाय द वे सुनवाई कल ही हो गई थी, आज जो है इस पर डिसीजन लिया गया है और कोर्ट के द्वारा जो जमानत याचिका है उसको पास कर दिया गया है और नितेश राणे को जमानत जो है प्रोवाइड कर दिया गया है यानी कि कोर्ट के द्वारा। तो कहीं ना कहीं से सतीश माने शिंदे को एक बार फिर से एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है क्योंकि पिछले काफी टाइम से जब से नितेश राणे के ऊपर इस तरह के आरोप लगे थे और नितेश राणे की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कई बड़े मंत्री जैसे कि अनिल परब इसको लेकर कमेंट करते हुए नजर आए, जहां पर उनके द्वारा बोला गया था कि नितेश राणे के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि नितेश राणे ने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है। लेकिन अब जब नितेश राणे को जो है जमानत मिल गई है तो कहीं ना कहीं से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इस पर एक बहुत ही बड़ा झटका लगा होगा। आपका क्या ओपिनियन है इस पर, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।